बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये आप देख सकते हैं, मेरे पीछे देख रहे होंगे यार साइड पे जो पूरा एरिया आपको ये काला नज़र आ रहा है, धुआं वगैरह भी उठ रहा है। ये अगर आप देखें तो इस साइड पर भी देखें, ये भी एरिया जो है वो भी जला हुआ है। अच्छा, ये इसलिए आया क्योंकि ये किसी ने यहाँ गलती से या जैसे भी आग लगा दी है। और होता नहीं है, ये फरवरी और मार्च में कोई जंगल में आग नहीं लगाता, ज़्यादातर लोग जो है वो मई और जून में लगाते हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है, बारिशें नहीं होती तो आग लगा के जंगल साफ़ करते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये जल्दी लग गई है और सुनने में आया है कि किसी से बाई मिस्टेक ये आग लगी है, तो इसने ये पूरा एरिया जो है वो जला दिया। इस वक्त घास होती है, लोगों के जानवर चरते हैं, और भी दरख्त होते हैं, दरख्तों के पत्ते अभी जड़ना शुरू नहीं होते, इसलिए दरख्त जल जाते हैं जब इस मौसम में आग लग जाए तो। और ये इस जो फरवरी और मार्च में ये आग इतनी फैलती नहीं होती क्योंकि इस मौसम में इतनी ज़्यादा वो घास सूखी नहीं होती, लेकिन इस दफ़ा फैल गई है। वजह यह है कि इस दफ़ा बारिश नहीं हुई है और जिस वजह से यह आग बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो मैं दिखाता हूँ आपको इस वीडियो में कि कहाँ कहाँ तक यह आग गई है और किसने इसने दरख्त वगैरह जलाए हैं, क्या क्या चीज़ें जलाई हैं, वो तमाम आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं जी आगे। ये अगर आप देखें तो ये पूरा एरिया जो है ये यहाँ से शुरू हुई है आग और आगे तक जाती है। यहाँ से आगे जो एरिया है वो नज़र नहीं आ रहा। इस साइड देखें, थोड़ा जूम करें तो इस साइड पे भी है, लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड पे है। और इस साइड पे देखें तो ये भी जो जितने भी हैं पहाड़ी है, इसको भी तकरीबन पूरे का पूरा जो है उसने जला दिया है। ये धुआं भी उठ रहा है, शायद ये कोई पुरानी लकड़ है सूखी, उसमें से निकल रहा होगा। अच्छा, ये जो आग लगी हुई है ये सामने, ये दरख्त है और दरख्त के जो तना है वो सूखा हुआ था आधा, तो तने को आग लगी है, उससे लकड़ियां जो गिर रही हैं ये नीचे तक सूखी हुई लकड़ियां, ये आप देख सकते हैं। अभी आग भड़क भी रही है और धुआं भी ठीक ठाक निकल रहा है। अभी इस तरह के जो दरख्त होते हैं वो बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं, स्पेशली इसलिए ये काफ़ी नुकसान होता है। बाकी ये पूरा एरिया जो आप देखें, ये यहाँ चूँकि घास ज़्यादा थी तो इसने ज़्यादा नुकसान किया है जी। पूरा रास्ते में ये जहाँ तक निगाह जा रही है ये आपको काला एरिया नज़र आएगा। ये बिल्कुल जल के जो है वो राख हो गए हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर ये जो चीज़ जलनी चाहिए थी ये नहीं जली है। ये जो बूटी है ये काफ़ी नुकसान करती है जंगलों का, इसको जलना चाहिए था, लेकिन ये क्योंकि इसके नीचे जहाँ घास कम होती है वहाँ ये जलती नहीं है। जहाँ घास ज़्यादा हो, जहाँ ज़्यादा गुंजान हो ये, वहाँ ये जल जाती है। ये अगर आप आवाज़ सुने तो परिंदों की, ये दानू साइड पे आवाज़ें आ रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की, शायद इसलिए कि सारे के सारे परिंदे निकले हुए हैं, इनके ठिकाने जल गए हैं शायद। और जारी बात है, ये भी रात को किसी ठिकाने में रहते हैं, ऐसे तो नहीं रहते ना, कहीं दरख्तों पे इन्होंने ठिकाने बनाए होते हैं, यहाँ ये रात गुजारते हैं। तो इस कदर आग थी कि सब कुछ जल गया, तो इनके ठिकाने भी जल गए होंगे, इसलिए अब ये शोर मचा रहे हैं जी। तो मैं पहुंचा हूँ जी बमुश्किल यहाँ, और यहाँ स्टे किया है क्योंकि थक गए हैं पैदल। वहाँ से वो सामने से इतने दूर, वो सामने से काफ़ी दूर है, वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं और काफ़ी थक गए हूँ, इसलिए स्टे किया है। ये पीछे जो है जितना भी एरिया है ये आप देखें तो बिल्कुल जल चुका है, और जो जानवरों के लिए, माल मवेशियों के लिए या
बकरियों के लिए जो दरख्तों पे चारा था या जानवरों के लिए जो ज़मीन पे चारा था वो तकरीबन जल चुका है। ये सारे गीले दरख्त, बैरी के दरख्त, प्लाई के जितने भी दरख्त, इन तक जो आग की रीच है वो इन तक पहुंची है और पत्ते इनके जो है वो जला दिए हैं। ये सामने अगर पीछे आप देखें तो ये सारे दरख्त हैं पीछे, ये सारा जो है ना पूरे को पूरा यहाँ काफ़ी घास थी। और ये जो दरख्त मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इनके सारे पत्ते जले हुए हैं। ये याल इस तरफ है, ये याल इस तरफ है, और वो सामने अगर आप देखें तो वो भी यही याल है पूरे एरिए का। काफ़ी जगह जो है वो इस तरह बिल्कुल राख बन गई है, जहाँ कुछ ज़्यादा सूखी लकड़ियाँ वगैरह कांटे पड़े थे वो बिल्कुल राख, और ये दरख्तों के ये हाल हो गए हैं। ये वाला वो सामने से चल के जी वो जो एरिया नज़र आ रहा है, बाढ़ नज़र आ रही है, वहाँ से चल के यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये आसपास तकरीबन 200 से ज़्यादा, 200 कनाल से ज़्यादा जो एरिया है वो जला है। इससे कई ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये एक शॉर्ट सा अंदाज़ा है। नुकसान ये होता है कि ये जो दरख्त ये सामने आप देख रहे हैं जितने भी दरख्त, ये इनमें बड़े दरख्त भी हैं, ये सामने ये वाले टाली, प्लाई, शीशम जिसको कहते हैं, इन दरख्तों को जब आग एक दफ़ा जलसा देती है तो फिर ये आस्ता आस्ता सूख जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और ये काफ़ी फिर नुकसान होता है। आजकल वैसे भी काफ़ी महंगी है लकड़ी, है सामने देखें जी कोई एरिया नहीं बचा। जारी बात है जब आग लगती है तो उसको रोका नहीं जा सकता, तो ये नुकसान होता है फिर। अच्छा जी, जिस तरफ हवा का रुख ज़्यादा होता है उस तरफ ज़्यादा नुकसान होता है, और जिस तरफ हवा नहीं वो चलती या रुख कम होता है वहाँ फिर भी बचत हो जाती है। और ये जितने भी उस दिन चूँकि हवा नीचे से ऊपर साइड थी इसलिए ये सारा जो है वो इसने जला के राख कर दिया। ये जो सामने एरिया पीछे है यहाँ पे आग जो है आके रुकी है, ये आगे चूँकि रास्ता है और रास्ते में जो है वो घास नहीं थी इसलिए यहाँ आके रुक गई है। अगर यहाँ से आगे जाती फिर इसने बड़े दूर जाना था, फिर इसने ये पूरा हज़ार कनाल इससे ऊपर जो रकबा था जंगल का ये सारा जला देना था। वो सामने जो एरिया नज़र आ रहा है वहाँ से खुद लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कोशिश करके आग को बुझाया है। वहाँ घास इतनी नहीं थी, घास काटी हुई थी इसलिए आग का जो प्रेशर था वो कम हो गया, तो वहाँ से लोगों ने उसको जो है वो कंट्रोल कर लिया, आगे नहीं जाने दिया। अगर ना कंट्रोल करते तो वो सामने जो बस्ती नज़र आ रही है, घर नज़र आ रहे हैं, वहाँ से आगे फिर उसने निकल जाना था। ये पूरा 360 व्यू है जी, ये सबसे जो बुलंद चोटी है उसके ऊपर मैं अब खड़ा हूँ, वहाँ से आपको ये पूरा एरिया नज़र आएगा कहाँ से ये स्टार्ट हुई, वो जिधर धुआं जल रहा है वहाँ से स्टार्ट हुई, फिर ये पूरा एरिया जो इसने अपने लपेट में लिया
ये आगे वो खंबे तक जा रहे हैं, ये बड़ा इलेक्ट्रिक पोल है सामने, वहाँ तक ये पहुँची है। और इधर ये सामने जो रास्ता है यहाँ आके रुकी है, वो इलेक्ट्रिक पोल के पास भी वहाँ से भी रास्ता गुजरता है, इसलिए शायद वहाँ जाके ये रुक गई है। मैंने जो हवा के रुख की बात की वो आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं। ये एक एरिया है, वो नीचे वाली साइड जो है वो बिल्कुल वहाँ आग नहीं गई, और इस साइड पे कोई जगह नहीं छोड़ी यहाँ आग गई है, क्योंकि हवा का रुख इस साइड का था और आग यहाँ से आई और सीधी इधर निकल गई, तो वो एरिया बच गया है। जो हवा का रुख होता है, हवा के चलने का जो अपोजिशन होती है, जो लहर होती है, उसकी सिमट आग जो है वो भड़कती जाती है। जी जनाब, आपने देख लिया कि एक चिंगारी या एक सिगरेट जला के फेंकने से, गलती से, या एक चिंगारी से, या एक तीली लगा देने से कितना ज़्यादा ये आग फैल जाती है, फिर ये कंट्रोल में नहीं रहती और कितना किस हद तक नुकसान करती है, ये वही लोग जान सकते हैं जो इसको बुझाने के लिए आते हैं, या जिन्होंने घास रखी होती है, या जिनके जानवर होते हैं, वही बेहतर इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन आग फिर कंट्रोल में नहीं रहती, आग और पानी, हवा, ये चीज़ें ऐसी होती हैं ये इंसान के फिर बस में नहीं रहती, कंट्रोल में नहीं रहती। और इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोच समझ के उसको करना चाहिए, ताकि फिर बाद में पछताने से या नुकसान उठाने से बंदा बच जाए। अगर ये रास्ता यहाँ ना होता, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं लॉन्ग साइड पे, तो ये रास्ते की साइड पे अगर आप देखें, ये सारी आग है। ये रास्ता ना होता तो फिर ये जो जंगल सामने आप देख रहे हैं बड़े दूर तक, ये सारा का सारा फिर इसने अपनी लपेट में लेना था।